हिंदुस्तान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। बड़ी खबर, दहेज की मांग पूरी न होने पर महिला की हत्या करने का रामगढ़ थाने में मुकदमा हुआ दर्ज। रामगढ़ अलवर नौगांव थाना क्षेत्र के खोहर गांव के निवासी वजीर चंद ने रामगढ़ थाने में अपनी बेटी के ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की मांग पूरी न होने पर प्रताड़ित कर हत्या करने का मामला दर्ज कराया है, जिसमें लिखा है कि मैंने मेरी बेटी कविता का विवाह सन 2015 में बरवाड़ा गांव के टिंकू पुत्र त्रिलोक चंद के साथ किया था, जिसमें अपनी हैसियत से भी अधिक दहेज, जिसमें 3 तोला सोना, बेटी को 2 तोला की चैन, पति को और ससुर को अंगूठी के अलावा फ्रिज, कूलर, सोफा सेट आदि सामान दिया था और बारात की भी अच्छी खातिर की थी, जिसमें लगभग 10 लाख रुपए खर्च हुए थे। उसके बावजूद भी मेरी बेटी के ससुराल पक्ष की दहेज की भूख पूरी नहीं हुई और मेरी बेटी से 1 मोटरसाइकिल और 1 लाख रुपए की मांग कर शुरू से ही प्रताड़ित करने लगे। इस मामले में गत वर्ष भी रामगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया गया था, उसके बावजूद यह लोग नहीं माने और फिर से मेरी बेटी के साथ मारपीट और प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया। इस बारे में फरवरी माह में नौगांवा थाने में मामला दर्ज कराया गया। फिर 4 माह बाद गांव के मौजूद लोगों की समझाइश पर और बेटी का घर बस जाने इसलिए 1.5 माह पूर्व ससुराल भेज दिया। कुछ दिन शांत रहने के बाद फिर से प्रताड़ित करने लगे। 31 जुलाई को रात 10:30 बजे मेरे पास किसी ने फोन से सूचना दी कि आपकी बेटी की तबीयत खराब होने के चलते अलवर के सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के लिए लेकर गए हैं। मैं परिवार के लोगों के साथ हॉस्पिटल पहुंचा तो वहां पर मेरी बेटी मृत पड़ी थी, उसके शरीर पर चोट के निशान थे और ससुराल पक्ष के सभी लोग नदारद थे। इन लोगों ने मेरी बेटी की हत्या की है। इस मामले में पति टिंकू, ससुर त्रिलोक चंद, सास सम्मोबाई, चाचा ससुर भगवानदास द्वारा बेटी कविता को प्रताड़ित कर हत्या करने का मामला दर्ज करा कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। कोई मांग होगी देश के लिए, उसके बाद में आज से 1 महीने के बाद दोबारा से फिर उनके साथ मारपीट, लड़ाई, झगड़ा करना शुरू कर दिया और उसको कमरे में बंद करके रखते थे बिना रोटी के साथ, उसको प्रताड़ित करने लगे। कहता हमने तो जो राजीनामा किया था, हमने अपना पीछा छुड़वाने के लिए किया था और इससे अब हमारे को कोई डर नहीं है, अब तुम्हारे को हम जान से मार देंगे, या तो अपने पिताजी से को हमें 10 लाख रुपए, बाइक और दुनिया भर का सामान मांगते थे। और रात घटना घटी है, जो रात को 10:30 हमें किसी अनजान आदमी ने सूचना दी है कि आपकी बेटी की डेथ हो चुकी है। हम ढूंढते ढूंढते उसको अलवर सवाई हॉस्पिटल में पहुँचे हैं, उस हॉस्पिटल में हमें उसकी डेथ बॉडी पाई गई और उसके साथ ससुराल पक्ष वालों का कोई भी आदमी नहीं मिला, जिससे हम ढूंढते ढूंढते मिले, हमें पूरी अलवर में भी तस्वीर की, उनके पक्ष का कोई आदमी नहीं था उसके साथ। और उसके बाद में हम यहाँ रामगढ़ क्षेत्र में आए, अपने यहाँ FIR दर्ज करवाई है और उसको पता नहीं जेर दे के मारा है, गला दबा के मारा है और उसकी हत्या करके वो तीनों चारों मुजरिम फरार हो गए। तो हत्या की गई है उसकी? हाँ, हत्या की गई है उसकी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूरन चंद जी है। ठीक।